हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आवर आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल्स। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया के लोकेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिया की लोकेशंस क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स क्या है, वो सारी स्टडी हमने जो है अपने लास्ट वाले वीडियो के अंदर की थी। आई होप कि वो सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट है, हम इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया, इसका एरिया कितना है, कितना फैला हुआ, कितने स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का क्षेत्रफल है, वो सारा इसके अंदर हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। साइज के अंदर द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का जो है टोटल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम शॉर्ट के अंदर भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट में रखना है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो जो भी आपको दोनों में से सुटेबल हो वो आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं शॉर्ट के अंदर। अब एक चीज इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी एरिया का पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो उसको आप किलोमीटर में नहीं बताओगे, उसको आप स्क्वायर किलोमीटर उसको बोलना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको ये पूछा जाए कि इंडिया का टोटल कितना है एरिया, तो 32,87,263 किलोमीटर नहीं बोलेंगे इसको। इसका सही वे जो है वो ये रहेगा कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर जो है वो बोलना जरूरी है। तो ये इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब है इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भारत, अगर पूरे वर्ल्ड के प्रस्पेक्टिव में देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर भारत का अगर जमीनी हिस्सा है लैंड, तो वो पूरी दुनिया का जो है 2.4% हिस्सा जो है वह इंडिया का आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इंडिया का हिस्सा जो है, पार्टीशन जो है वह 2.4% है। अब है इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर। ये दो चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर रखनी है कि इंडिया का जो अपने लैंड बाउंड्री है वह कितने किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर। एंड जो टोटल कोस्टल लाइंस है, जो समुद्री वाला इलाका है, किनारा वाला, वो जो है आपके 7,516.6 किलोमीटर है। इन दो चीजों को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ जी, अब जो है ये जो मैंने बताई है आपको टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइंस जो ये है 7,516.6 किलोमीटर, इसको वापस हम दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर जो मेन कोस्टल लाइंस है उसकी लेंथ जो है 6,100 किलोमीटर है। एंड जो अपने आइलैंड है, दो आइलैंड है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये जो आइलैंड है इनकी जो कोस्टल लाइन है वो आपके हो जाएगी 1,416.6 किलोमीटर। और जब हम इन दोनों की टोटल करेंगे तो ये आपकी टोटल हो जाएगी आपके 7,516.6 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना। अब देखो मेन कोस्ट लाइन के अंदर क्या क्या आएगा, कहां से आएगा, तो नियर अबाउट यहां से जो है ये आपके यहां से शुरू हो जाएगा, यहां से लेके ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा यहां से यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो ये हो जाएगा, तो ये है अपने मेन कोस्ट लाइन में आएगा। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6,100 किलोमीटर है। फिर आता है आइलैंड कोस्ट लाइन, तो ये आइलैंड हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो लक्षद्वीप है ये अपने अरेबियन सी के अंदर है, मैंने आपको बताया था। तो इनकी जो टोटल कोस्ट लाइन है इसकी, एंड जो अपना ये वाला जो है इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड है और इसकी, तो इन दोनों की मिला के जो है वो हो जाएगी 1,416.6 किलोमीटर। तो जब इन दोनों को मेन कोस्ट लाइन और आइलैंड कोस्ट लाइन को जब हम दोनों को टोटल करेंगे तो ये आपके जो है टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वह वर्ल्ड का सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से। तो इंडिया से पहले और कौन कौन से कंट्री है उनको हम देख लेते हैं। इंडिया का रैंक जो है सेवंथ रैंक है एरिया के हिसाब से। तो जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री इज रशिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री जो है ये रशिया हो जाएगा। सेकंड इज कनाडा एंड थर्ड इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। तो एरिया के हिसाब से जो है वर्ल्ड के अंदर इसकी रैंक थर्ड है। फिर फोर्थ आता है अपना चाइना, जो अपना नेबरहुड कंट्री है। फिफ्थ इज ब्राजील, सिक्स इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ इज इंडिया, हमारा देश।
तो ये 7 कंट्रीज जो है, 7 कंट्रीज जो है वह एरिया के हिसाब से है। जो आप रिमेंबर रखिएगा इनको कि कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इंडिया जो है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी लेंथ कितनी है, क्या है। तो अगर हम देखें तो मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था, एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं डायरेक्शंस के बारे में। जैसे कि ये है, तो ये जो अपर साइड हो जाएगी ये आपके हमेशा नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ जो है वो आपके साउथ हो जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा। फिर इस तरफ जो है ये आपके हो जाएगा वेस्ट और ये आपके हो जाएगा ईस्ट, ये है। अब जो इंडिया जो नॉर्थ की तरफ है यहां से लेके साउथ में यहां तक, तो ये इंडिया की जो टोटल लेंथ है किलोमीटर के हिसाब से, तो ये आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर यहां से लेके टोटल यहां तक इंडिया की लेंथ हो जाएगी। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 3214 किलोमीटर है। फिर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो यहां से लगभग गुजरात से लेके यहां तक वाला इलाका है ये, तो यहां पे जो है यहां की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये इंडिया की जो है ईस्ट टू वेस्ट लेंथ हो जाएगी किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि इंडिया की नॉर्थ टू साउथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो ये साइज आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से रिमेंबर रखनी है। फिर हम देखते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी राष्ट्र, तो वो हम देखते हैं। तो और कंट्री इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज, यानी कि हमारा देश भारत जो है वह 7 देशों के साथ अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट इज अफगानिस्तान, जो यहाँ पे मैंने इसको लोकेट किया है जस्ट यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं, अच्छे तरीके से आप इसके परिचित हो गए। तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान है, और सबसे इंडिया की सबसे कम बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है, लगभग बस ये वाला जो हिस्सा है इतना ही ये जो है केवल टच करता है अफगानिस्तान के साथ में। सेकेंड इज अपना जो नेबरहुड कंट्री है पाकिस्तान, सब परिचित है इसके बारे में। तो यहाँ पे इस तरफ है ना, इंडिया के वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान है, तो ये लगभग यहां से लेके ये सारा जो है यहां तक नियर अबाउट जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो लगता है। फिर थर्ड है चाइना, इस तरफ इंडिया के अगर ईस्ट में आ जाएंगे तो ये चाइना हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लगभग यहां से जो है वो चाइना बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ में लगता है। फिर हम आते हैं अपने भूटान, तो ये बिल्कुल इंडिया के साथ में लगा हुआ छोटा सा देश है भूटान, तो ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, तो ये आपके भूटान हो जाएगा। फिफ्थ कंट्री इज बांग्लादेश, ये भी इंडिया के साथ में ही है, ठीक है ना, इसके साथ भी बनाया, मैंने बता दिया आपको। तो ये बांग्लादेश है पांचवा देश जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, और सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा जो बाउंड्री जो है बॉर्डर इलाका जो है वो बांग्लादेश के साथ में लगता है, सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ में। तो ये दो चीजें याद रखना, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में, सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ में अपना इंडिया का बॉर्डर टच कर। फिर आता है आपके नेपाल, तो ये रहा आपने नेपाल, ये हमेशा इंडिया के मैप के साथ में शो होता है लगभग, तो ये अपना पड़ोसी देश नेपाल हो गया। फिर आता है 7 कंट्रीज म्यांमार, ये हो जाएंगे। अब जो है हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इन कुछ जो बॉर्डर लाइंस हैं इनके कुछ नाम दे रखे हैं जी। तो अब ये जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ कुछ बॉर्डर है, तो उनके कुछ नेम भी दे रखे हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। तो जैसे कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है उसको जो है डूरंट लाइन के नाम से जानते हैं, तो आप ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, तो अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है उसको डूरंट लाइन कहते हैं। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ में जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, अच्छे तरीके से रिमेंबर रखिएगा, ये आपके जीके के जनरल नॉलेज के लिए भी जो है उसके लिए भी अच्छा है ये, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिमेंबर रखिएगा। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी, जो लगभग यहाँ से पूरा यहाँ तक है, तो ये रेड क्लिफ लाइन है। फिर थर्ड है अपना चाइना, तो चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है इंडिया का, जो यहाँ पे ये इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरफ चाइना आया हुआ है, तो वो है मैकमोहन लाइन, ये जो है चाइना के साथ में जो है वो बॉर्डर अपना टच करता है। तो ये तीनों के तीन कंट्री हैं, इनके साथ में किस किस कंट्री के साथ में कौन कौन सी बॉर्डर लाइन लगती है ये आपको रिमेंबर रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के साथ जो लगता है वह डूरंट लाइन है, पाकिस्तान के साथ में रेड क्लिफ लाइन, एंड चाइना के साथ में जो है मैकमोहन लाइन जो है वह टच करती है। अब इसके अंदर थोड़ा और डीप में जाएगा तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि जैसा कि हम अपने इंडिया का मैप देखते हैं, तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन जो है आपको शो कर रखा है, इंडिया हमेशा ही जो है, लेकिन एक्चुअल में जो है इंडिया के कुछ हिस्से पे जो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है अभी भी वो डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
को लेके जो डिस्प्यूट चलता रहता है वो है, तो कुछ हिस्सा जो है वो अभी पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड है, तो वो कौन सा इलाका है क्या है, तो वो मैं इस यहाँ पे शो करूंगा आपको। तो लगभग ये जो है यहाँ पे इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक जो लाइन में बताई है, इसको जो है आपने अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो कई बार सुना होगा LOC, ठीक है ना, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल इसको हम कहेंगे। तो ये यहाँ वाला हिस्सा जो है, ये लाइन जो दिख रही है इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वैसे तो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर अपना कब्जा ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो इसको शॉर्ट के अंदर हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जो है इसको कहते हैं, और ये जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे इसको हम LOC कहेंगे, और जम्मू कश्मीर के इसी एरिया को लेकर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। सेकंड जो इंडिया का डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, वो है चाइना के साथ में, तो वो है इंडिया और चाइना के बीच में भी कुछ डिस्प्यूट्स है, कुछ इलाका जो है इंडिया का वो भी जो है चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो वो क्या है उसके बीच में क्या है वो हम देखते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो है, तो वो देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला लाइन, तो ये वाला जो है इसको जो है ये अभी तक जो है वो चाइना ने जो है कब्जा जमाया हुआ है, चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया है पूरा का पूरा। अब इस लाइन को जो है हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा इस चीज़ को लेकर अभी इंडिया एंड चाइना को बीच में जो है अभी कुछ प्रॉब्लम डिस्प्यूट जो है वो चल रहे थे। गलवान वैली का आपने नाम सुना होगा, लद्दाख, ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख लेह, यहाँ तो ये यहाँ पे जो है गलवान वैली है, और इसी को लेकर जो है इंडिया और चाइना के बीच में अभी डिस्प्यूट हो रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ में जो ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्प्यूट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो डिवीजन कर रखा है इसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ में जो है इंडिया के कुछ जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उसके ऊपर कुछ चाइना ने जो कब्जा किया हुआ, ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसमें जो है ये LAC हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अपने इंडिया साइज एंड लोकेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।